श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोज क्या करो उपाय में। दर्शकों इस वीडियो में आज आपको बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, या आपका व्यापार नहीं चल रहा, धन संपदा की कमी है, नौकरी के लिए आप परेशान हैं, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों सोमवार का दिन आपके जीवन में सुख प्रदान करने वाला होता है, लेकिन इस बार का सोमवार आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार के सोमवार के दिन आपकी पड़ रही है त्रयोदशी। सोम अनंत त्रयोदशी का बड़ा विशेष महत्व होता है। अनंत त्रयोदशी के साथ साथ सोम प्रदोष भी है, तो ऐसे में यदि आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जो भी हम आपको दर्शकों उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर समझकर आपको करके समझाने का पूरा प्रयास करती हूँ। इसी वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि यदि आप एक दीप चुपचाप सोमवार के दिन इस स्थान पर प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। आइए अब हम देखते हैं दर्शकों आज का पहला उपाय। आज का पहला उपाय आपको करना है अनंत त्रयोदशी के दिन। अनंत त्रयोदशी साल में आपकी एक बार आती है। इस अनंत त्रयोदशी के दिन यदि आप भूल बस भी भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे एक लोटा जल समर्पित कर देते हैं तो आपकी सभी मनोकामना महादेव पूरी कर देते हैं। दर्शकों यदि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा विवाद होता हो, छोटी छोटी बातों से विवाद हो रहा हो, आपका घर टूट रहा है, तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। जो देवी अशोक सुंदरी के आगे एक कटी भाग होता है, माँ जगत जननी जगदम्बा का स्थान होता है, माँ पार्वती का, उस स्थान पे आपको कच्चे दूध की बिंदी लगानी है। ध्यान रखिएगा इस उपाय को आप सुबह के वक्त भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में गाय का कच्चा दूध मात्र एक बूंद भी मिल जाता है तो जितना कटी भाग होता है पूरे कटी भाग पे आप कच्चे गाय के कच्चे दूध का लेपन करिएगा। अच्छे से लेपन करें, आपकी मनोकामना जो भी हो उसके लिए प्रार्थना करें, एक लोटा जल समर्पित करें, 5 बेलपत्र समर्पित, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। अब चलते हैं दर्शकों आज के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय है सोमवार के दिन यदि आप प्रदोष काल में एक घी का दीप भगवान शंकर जी के मंदिर में प्रज्वलित कर देते हैं अपनी कामना करते हुए, और एक दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर देते हैं। प्रदोष काल में घी का दीप होना चाहिए तो आपके घर में कभी संपदा की कोई कमी नहीं आएगी। अब चलते हैं दर्शकों आज के तीसरे उपाय की तरफ। यदि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती, व्यापार नहीं चलता, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। प्रत्येक सोमवार को आप इस उपाय को जब भी करें, प्रत्येक सोमवार को एक घी का दिया लीजिएगा। उस घी के दिए में आपको गुड़ या चीनी, थोड़ी मात्रा में गुड़ या चीनी छोड़ देनी है। उसके बाद उस घी के दिए को आप लेके चले जाइएगा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। प्रदोष काल में जब आप इस दीप को प्रज्वलित कर रहे हों तो आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए और दिए का भी मुख पूर्व दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्मी के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है तो पूर्व दिशा में करके दीप प्रज्वलित किया जाता है। पूर्व दिशा में दीप आप प्रज्वलित करें मुख करके, और आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए आप प्रार्थना करें। प्रत्येक सोमवार को आप इस उपाय को करके देखिएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी, बड़े से बड़े कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि पूजनीय पंडित जी कहते हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में सोमवार के सोमवार, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि हो या एकादशी हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दीप लगाते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी धन संपदा की कोई कमी नहीं आती है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। जो कुछ आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जब भी भाई बहन अभी तक आपने रोज क्या करूं उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें।